मौका दिया। कुल 72 माननीय सदस्यों का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसमें से अनेक वापस आएंगे, बहुसंख्यक वापस आए, यह मेरी निजी कामना है। पर ऐसे अवसरों के लिए दो शब्द मैं सुनता रहा हूं, फेयरवेल ऑफ रिटायरिंग मेंबर्स, फेयरवेल और रिटायरिंग, ऐसे भावना प्रधान क्षणों के लिए मैं दोनों शब्द उपयुक्त नहीं मानता। फेयरवेल की जगह सम्मान, उनके काम के लिए सम्मान, उसका आयोजन है ये। रिटायरिंग की जगह नए दौर की शुरुआत, उनके जीवन के नए दौर की शुरुआत। एक अमरीकी राष्ट्रपति ने 74 में राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत में आयोजित विदाई समारोह में कहा, यू आर हियर टू से गुड बाई टू अस एंड वी डू नॉट हैव ए गुड वर्ड फॉर इट इन इंग्लिश, दैट बेस्ट इज ओ रवार, इट्स ए फ्रेंच वर्ड आई थिंक, वी शैल सी यू अगेन, मीनिंग। भारतीय परंपरा और संस्कृति में फेयरवेल हमारा मानस नहीं है, किसी को विदा करने का मानस नहीं है। अनेक भाषाओं में ऐसे शब्द हैं जो पुनः उनके पुनरागमन की कामना करते हैं। और मैं सर कहना चाहूँगा कि तेलुगु में भी एक, जब लोग घर से निकलते हैं तो परिजनों को कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द, पोई रा पो, जाकर आइए। तो मैं कामना है मेरी कि बहुत सारे लोग पुनः वापस आए, पर जो अपना नया अध्याय जीवन का शुरू करेंगे, मैं मानता हूं कि वो उनका और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सामने है। और अनेक लोगों ने जब कार्यकाल ग्रहण किया है तो अपना अनुभव के आधार पर बहुत बड़ा एक ज्ञान संसार छोड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। अब तक कुल सदस्य जो एक से या अधिक टर्म तक सदस्य रहे उनकी संख्या 2282 है 2019 तक। अब तक कुल सदस्य जो एक या एक से अधिक टर्म तक सदस्य रहे उनके रिटायर होने की संख्या कुल 2177 है। यह 2019 में राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर प्रकाशित राज्यसभा द जर्नी सिंस 92 की सूचना के आधार पर। सर, यह सदन देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एक फेडरल चैम्बर होने के नाते देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। लोग अलग अलग राज्यों से अपना ज्ञान संसार, अपना अनुभव लाते हैं, उनके एक्सपर्टाइज और उनके डाइवर्स अप्रोच, अलग थिंकिंग से हम सबको सोचने और जानने का मौका मिलता है। आपने जैसा बताया, कई सदस्यों ने 5 बार कार्यकाल, कुछ ने 4 बार, कुछ ने 3 बार पूरा किया है, उन सब की कमी हम सब महसूस करेंगे क्योंकि उनके अनुभवों से सदन को चलाने में बहुत मदद मिलती रही है। सदन को चलाने के लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं हैं, और उन्होंने अपने स्पीचेस से, इंटरवेंशन से, कंडक्ट से राज्यसभा को चलाने में बहुत मदद दी है। मैं उन सबका व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत दो तीन नाम इस रूप में उल्लेख करना चाहूंगा कि लगभग सभी लोगों का कुछ न कुछ बड़ा योगदान है। माननीय के एंटोनी साहब, मैं इन्हें जानता नहीं था, 15-20 वर्ष पहले पढ़ता था, राजनीति के बारे में बहुत गहरी रुचि थी, जानता था, एयरपोर्ट पर खड़ा था, वो आए, केरल में राजनीति करते थे, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, और पीछे 3-4 लोग हम खड़े थे, उसके पीछे टिकट के लिए खड़े हो गए, हमारी नजर गई, हम आगे के सब लोग स्वतः पीछे चले गए, कोई मेरा परिचय नहीं, उन्होंने पुनः इनकार कर दिया, वो पीछे गए। तो ये पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपनी सादगी, ये हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। माननीय आनंद शर्मा, जिन्हें हमेशा मैं रूल्स प्रोसीजर से लेकर पार्लियामेंट्री कंडक्ट के बारे में या बोलते समय गंभीरता और जो ज्ञान कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के बारे में, सरकार के बारे में, उनसे हमेशा मैंने सीखा है, ऐसे लोगों का अनुभव मिले, ये मेरी निजी कामना होगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कैसे मैं भूल सकता हूं सर, कि जब मैं युवा था और राजनीति मुझे सबसे अधिक प्रेरित करती थी, तो 75-76 में इसी सदन में जो उनका काम रहा वो आज भी मुझे प्रेरित करता है। सर, श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय जयराम रमेश जी, श्री सुरेश प्रभु जी, श्री सरदार बलविंदर सिंह जी, श्री पी चिदम्बरम जी, श्री कपिल सिब्बल जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री संजय राउत जी, ऐसे अनेक वरिष्ठ सदस्य, इनमें से कई वापस आएंगे, मेरी कामना है, और इनके अनुभव से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है सर। पर इन सीनियर लोगों के अलावा जो हमारे कुछ नए मेंबर्स रहे, जिन्होंने एक बार में छाप छोड़ी, प्रभावित किया, उनमें से कुछ लोगों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, और सबका कर सकते हैं सर, समय के अभाव के कारण मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा। अभी हाल में महाराष्ट्र के हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे जी ने 0 आवर में अर्ली हीट वेव अलर्ट का मामला उठाया,
और सरकार उस पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय करे और सारे सदस्यों का अक्रॉस दी पार्टी लाइन जो समर्थन मिला वो सचमुच बहुत प्रेरित करने वाला है। माननीय नरेंद्र यादव जी, हमेशा जिस इंसाइट से डिबेट को उन्होंने एनरिच किया है, चाहे फाइनेंस का मैटर हो, टेक्नोलॉजी का मैटर हो, सोशल इश्यूज हो, या दुनिया जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में बदल रही है जिसका असर हमारे ऊपर आने वाला हो, जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज हैं जो वर्ल्ड के दूसरे पार्लियामेंट जिन पर डिबेट कर रहे हैं, वैसे ही सूच को जो उठाते रहे माननीय नरेंद्र यादव जी, वो कैसे हम भूल सकते हैं। माननीय नरेश गुजराल जी, एक बार संसद में मिनिमम सिटिंग की बात उन्होंने उठाई और उस पर बहुत अच्छी डिबेट हुई। ऐसे अनेक चीजें, ऐसे लोगों का इंटरवेंशन रहा, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, नई सूचनाएं लाने, इंसाइट्स लाने, ये काम जो मिला, इससे पूरे सिस्टम को, जो हमारी पार्लियामेंट्री वर्किंग सिस्टम, इसको इनरिच करने का जो काम हुआ, इसलिए ऐसे सारे लोगों ने किया है जो हमारे रिटायरिंग मेंबर्स हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। चाहे सर प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, विधेयकों पर चर्चा हो, समितियों की मीटिंग हो, आपने समितियों के बारे में खुद उल्लेख किया, जो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो अद्भुत है। इन्होंने अपने सदन में अपनी छाप छोड़ी है। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि हाउस का प्रबंधन करना आसान नहीं है, ये आप सब जानते हैं, और सबका अनुभव इस संदर्भ में, जब निजी तौर पे आप मिलते हैं तो चेयर की कठिनाई महसूस करते हैं। पर हमारे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन में से दो माननीय सदस्य, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सस्मित पात्रा, वो इस उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाउस को सुचारू रूप से चलाने में इन्होंने जो परिपक्वता दिखाई, जो मदद की हमें, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं थोड़ी बहुत समितियों की चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ता रहा हूँ। मैं राज्यसभा समितियों के जो माननीय 9 अध्यक्षों का कार्य खत्म हो रहा है और जिन्होंने अपने समितियों की रिपोर्टों द्वारा जो चीज़ें की हैं और जो डिबेट्स को इनरिच किया है, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। सभापति जी, यहाँ से जाने के बाद सदस्य समाज और देश की सेवा करते हैं, हम उनकी राज्यसभा में उनके इस एक्सपर्टाइज का कैसे अनुभव ले सकते हैं। 2-3 मेरे मामूली सुझाव हैं कि हर सदस्य जो रिटायर हो रहे हैं वो, और जो नया अध्याय जीवन का शुरू कर रहे हैं, उनके स्पेशलाइजेशन का लाभ कैसे मिले, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कुछ हम ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में उनको पुनः निमंत्रित करें। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वे कैसे अपने अनुभवों को लिखें और हम उन्हें कोई माध्यम बनाकर जोड़ें ताकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारी मजबूत हो, और वो बाहर जाकर पब्लिक इंगेजमेंट्स के द्वारा नागरिकों और छात्रों को जो राजनीति के बारे में, संसद के बारे में धारणा है, वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, ताकि बाहर जो खासतौर से संसद, उसके कामकाज के बारे में जो भी धारणाएं सही नहीं आती, उसको ठीक कर सकते हैं। अंत में मैं 1952 में 14 मार्च 1958 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कामना की थी रिटायरिंग सदस्यों से, वो मैं कोट सुनाना चाहूँगा हम सबके लिए, जो हमारे लिए भी रेलिवेंट है, जो बाहर जाएंगे उनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, और जो एक्स मेंबर रह चुके हैं उनके लिए भी कितनी बड़ी भूमिका होगी। मैं कोट कर रहा हूँ सर, पार्लियामेंट डज सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वी बिहेव हियर टू ईच अदर, टूअर्ड्स अवर वर्क, टूअर्ड्स द जनरल पब्लिक, सो टू सम एक्सटेंट अदर्स विल बिहेव एल्सवेयर, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government that exist in the country or that are growing up, right way down to that foundation of our democracy, the panchayats in villages. Therefore, on all of us rests this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us and we may sit, we may not do something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before the people. अंत में मैं अपने सभी साथियों को, जो पहले एक सदस्य के नाते, बाद में डिप्टी चेयरमैन के नाते, हमेशा जिन्होंने सहयोग किया, साथ रहे, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।